हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकी और आप देख रहे हैं रिंक्स चॉइस चैनल। आज मैं नव वर्ष की नए साल की शुभकामनाएं देते हुए आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि नया साल बहुत बहुत आपको मुबारक हो, आपकी पूरी फैमिली को नया साल मुबारक हो मेरी तरफ से। और मैं कहूँगी कि ये जो नौकरी आज निकली है ना नए साल की शुरुआत में, इससे बेहतर नौकरी मुझे नहीं लगता कि हो सकती है आज के दिन। इसीलिए मैंने इस वीडियो को सिलेक्ट किया है क्योंकि 8वीं पास से लेकर 12वीं पास तक के लोगों के लिए सरकारी नौकरी है ये, और बहुत ही बेहतरीन नौकरी है। किस किस तरह की इसमें नौकरियां निकाली गई हैं सब कुछ आपको मैं बताऊंगी, और वेतन भी बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है इसमें। बहुत ही अच्छी नौकरी है, बेहतरीन नौकरी है। कहाँ निकली है ये नौकरी, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। लेकिन इससे पहले मैं कहूँगी कि हमारे चैनल को, रिंग्स चॉइस चैनल को, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए साल की शुरुआत में कर लीजिए यह अच्छा काम, जिससे आपका पूरा साल बेहतरीन जाएगा। हो सकता है नए साल के दिन आज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और रिंग्स चॉइस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपकी ज़िंदगी में आ जाए वो दिन जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है आपको मिल जाए सरकारी नौकरी, क्योंकि हम हर रोज़ इस चैनल पर लेकर आते हैं नई नई सरकारी नौकरियों की जानकारी और पूरे भारत में निकलने वाली बेहतरीन भर्तियों की पूरी जानकारी। तो इसी तरह से आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए दोस्तों एक भर्ती, जिसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि 8वीं पास हैं अगर आप, तो इस भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 8वीं पास 10वीं पास लोगों के लिए निकाली गई ये भर्ती है। चपरासी के लिए है यह भर्ती। 148 इसमें भर्तियां की जाएंगी। इसमें वेतन दिया जाएगा आपको 37,500 रुपये महीने तक का। और अगली भर्ती है आशुलिपिक की भर्ती है, जिसमें 12वीं पास लोगों के लिए एक पद है, बिल्कुल 49,000 रुपये महीने तक का इसमें आपको वेतन दिया जाएगा। बिल्कुल फ्रेशर भर्ती है, किसी एक्सपीरियंस की, किसी अनुभव की इसमें बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। गुवाहाटी में निकाली गई ये भर्ती 31 जनवरी 2019, इसकी लास्ट डेट है, तो काफ़ी समय है आपके पास। अगली भर्ती है चौकीदार के लिए। अगर आप 8वीं पास हैं तो 65 भर्तियां इसमें की जाएंगी गुवाहाटी में, और 37,500 रुपये महीने तक का आपको इसमें वेतन दिया जाएगा। बिल्कुल फ्रेशर भर्ती है, किसी एक्सपीरियंस की, किसी अनुभव की इसमें आपको ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल फ्रेशर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगली जो भर्ती है वो निकाली गई है 8वीं पास के लिए। 71 भर्तियां, बहुत सारे इसमें भर्तियां हैं, 71 भर्तियां 8वीं पास के लिए खलासी की। वहीं 8वीं पास के लिए 3 भर्तियां खलासी की। सहायक के लिए 8वीं पास के लिए 3 भर्तियां। स्टोर कीपर के लिए 12वीं पास, अगर आपने ITI किया हुआ है स्टोर कीपिंग में तो एक भर्ती है। फार्मासिस्ट के लिए 12वीं पास और फार्मासिस्ट का अगर आपके पास डिप्लोमा है तो एक भर्ती है। कपड़ा डिज़ाइनर के लिए 12वीं पास अगर आप, तो इसके लिए एक भर्ती है। परिचारक के लिए 8वीं पास अगर आप ITI किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो देखा आपने कितनी बेहतरीन इसमें भर्तियां निकाली गई हैं, बहुत ही अच्छी इसमें नौकरियां निकाली गई है, और कई सारे इसमें पद हैं, कई सारी सरकारी नौकरियां हैं बताया मैंने आपको, और वेतन भी बहुत ही अच्छा दिया जा रहा है। देखिए अब मैं आपको पूरी डिटेल में बता रही हूँ कि इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पूरी डिटेल क्या है। और बता दूँ आपकी ऑफिस ऑफ द चेयरमैन स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है, बोर्ड आसाम की तरफ से। रेहाबारी गुवाहाटी 781008 की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। रिक्रूटमेंट फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ Grade 3 and Grade 4 रिजर्व फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अगर आप डिसेबल है तो आपके लिए भी है इसमें भर्ती। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ आसाम, तो सरकारी नौकरी है ये। वेबसाइट लिंक आपको दिखाई दे रहा है, इस पर मिल जाएगी आपको सारी डिटेल। तो देखिए मैंने आपको बता दिया है इसमें, ये देखिए कैसे आपको अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले जान लीजिए एज क्राइटेरिया क्या है। अगर आपकी एज है 18 साल से ऊपर तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए लास्ट एज लिमिट क्या है इसका, मैक्सिमम एज लिमिट 54 साल से कम के सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखा ना कितनी बेहतरीन नौकरी, इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि इससे बेहतरीन नौकरी आज के लिए मैं मतलब सिलेक्ट कर ही नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने आपको इसकी जानकारी देने के लिए उचित दिन सिलेक्ट किया कि आज मैं इसी नौकरी की जानकारी दूंगी। तो 54 साल से कम उम्र के हैं अगर आप तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हैं OBC, MOBC, SC, ST, ST हैंडीकैप, तो आप देख सकते हैं यहाँ से लिमिट क्या है। और इसके बाद नेम ऑफ पोस्ट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, पे स्केल क्या दिया जा रहा है जूनियर असिस्टेंट के लिए, खलासी के लिए फील्ड खलासी, घर घाट हेल्पर, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। और क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ड्रेसर के लिए, हर किसी के लिए पूरी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरी डिटेल आप देख कैसे पाएंगे, तो मैं आपको बता दूँ मैंने आपको वेबसाइट लिंक दे दिया है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप घर बैठे ही पूरी डिटेल देख सकते हैं वेबसाइट लिंक के द्वारा।
तो वेबसाइट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए। अगर मैं एक एक चीज़ आपको बताती हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए आपको वेबसाइट लिंक दे दिया है, जहाँ से आप क्लिक करते ही आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी। अब देखिए, ये है हेल्पलाइन नंबर, जिस पर कॉल करके आप कुछ भी पूछना चाहें इन भर्तियों के बारे में। ये ऑफिशियल नंबर है जो इनके यहाँ से दिया गया है। ये देखिए, ये ऑफिशियल नंबर है, यहाँ पर कॉल करके आप कुछ भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ये सभी हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ से नोट कर लीजिए। इन पर कॉल करके आप कुछ भी पूछना चाहें इन सरकारी नौकरियों के बारे में, इन भर्तियों के बारे में आप पूछ सकते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा ये भी पूछ सकते हैं। ये जो आपको फॉर्म भरना है, ये अप्लाई करना है, ये थोड़ा टफ है, क्योंकि इसमें JPG फॉर्मेट में आपको फ़ोटो भी अपलोड करनी है। तो मैं तो कहूँगी कि किसी ऐसे क्वालिफाइड जो प्रोफेशनली फॉर्म भरते हैं उनके पास चले जाइए, जो बहुत कम पैसे लेकर आपका फॉर्म अप्लाई कर देंगे आपके लिए, ताकि कोई गलती ना होए फॉर्म भरने में। तो वहाँ से आप अप्लाई करवा सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन नौकरी है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको वेबसाइट लिंक दे दिया है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने इस नौकरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो मैं कहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक इसकी जानकारी पहुँच जाए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 8वीं से लेकर 12वीं तक के सभी लोगों के लिए है ये नौकरी, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, हो सकता है आपके लिए ये नौकरी एलिजिबिलिटी ना हो, लेकिन अगर जो आपके फ्रेंड्स हैं आपके ग्रुप में, उनके लिए वो लोग एलिजिबल हो, वो इसकी तलाश कर रहे हैं, उनके पास नोटिफिकेशन ना हो, इन्फॉर्मेशन ना हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक इसकी जानकारी पहुँच जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में तो पूछ सकते हैं, किसी भर्ती के बारे में, अन्य भर्ती के बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। अगर आप पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं कहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि भारत में जितनी भी सरकारी नौकरियां निकलें और जितनी भी वैकेंसी, जितनी भी अन्य तरह की नौकरियां निकलें, उसकी जानकारी आपको हमारे द्वारा सबसे पहले मिल जाए। और वेबसाइट लिंक मैं आपको सभी वेबसाइट लिंक दे रही हूँ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी वेबसाइट लिंक्स के द्वारा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।